आप फौजी हैं आप जानते हैं सरहद पर हावी बने रहने की आपकी क्षमता सिर्फ आपकी शारीरिक ताकत पर निर्भर नहीं करती बल्कि आपके पास हथियार कैसे हैं आपके साधन कैसे हैं उसी के अनुसार वर्चस्व होगा हमारे हाथों में सबसे पहला साधन है इन आवर हैंड्स इज आवर ओन बॉडी Our own mind, our own energy. हमारा अपना शरीर हमारा अपना मन हमारी अपनी ऊर्जा अगर ये तीन चीजें सबसे ऊंचे स्तर पर काम करें तो जो भी छोटी मोटी चीजें हमारे हाथों में दी गई हैं उनका अचानक एक अलग ही महत्व हो जाता है जिन लोगों का अपने सिस्टम पर कंट्रोल है छोटी छोटी चीजों से वो बड़ी चीजें कर जाते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे पास पहला साधन यही है ये शरीर ये मन ये ऊर्जा इसके ऊपर कुछ महारत हासिल करना बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा खासतौर से एक फौजी के लिए क्योंकि ये एक भारी मेहनत वाला काम है ये एक अकेला जीवन है अगर कोई अपने खुद के भीतर बिल्कुल सुलझा हुआ नहीं है तो अकेले होना बहुत मुश्किल है एक योगी हमेशा अपनी इच्छा से अकेला होता है इसलिए नहीं कि वह लोगों से घुल मिल नहीं पाता सिर्फ इसलिए कि वो इतना सही से सुलझा होता है आमतौर पर उसे ऐसा साथ नहीं मिलता जो इतना ठीक से सुलझा हुआ हो तो आप अकेले होना चुनते हैं क्योंकि पता है जब गौतम बुद्ध के शिष्यों में से एक ने उनसे पूछा किसी के साथ चलना अच्छा है या अकेले चलना गौतम ने कहा किसी मूर्ख के साथ चलने से अकेले चलना बेहतर है एक सैनिक के लिए भी ऐसा ही है आपके बगल में किसी बेवकूफ के होने के बजाय अकेले होना बेहतर है ना अगर बेवकूफ बॉर्डर के उस पार हो तो यह अच्छी चीज है अगर वो आपके बगल में है तो यह अच्छी बात नहीं है इसलिए एक योगी की तरह एक सैनिक को भी सीखना होता है कि अपने शरीर मन ऊर्जा को इस तरह से सुलझा लें कि अकेले होना संघर्ष न रह जाए क्योंकि इसमें बहुत बड़ी ताकत है बहुत बड़ी एक इंसान असाधारण बन जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें खुद को इस तरह व्यवस्थित करने की क्षमता है कि अकेले होना कोई मुद्दा नहीं है जो लोग हर समय मजबूरी में किसी का साथ चाहते हैं लोगों से मुलाकात करने घुलने मिलने और साथ रहने में कुछ गलत नहीं है पर अगर ये एक मजबूरी भरी जरूरत है कि आपको किसी के साथ या चीज के साथ होना ही हो उस हालत में वन बेवजह नाजुक बन जाता है खास तौर से जिस काम में आप हैं वहां नाजुकता का मतलब जिंदगी या मौत हो सकता है